हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी हेल्प। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15.3 का पहला सवाल। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विद सूटेबल स्केल्स ऑन द एक्सेस। ओके, तो अब इसमें करना क्या है, हमें एक ग्राफ बनाना है और एक्सेस हमें अपने हिसाब से कैलकुलेट करके मार्क करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम बनाते हैं अपना ग्राफ। तो ये लीजिए, ये मैंने अपना ग्राफ बना लिया। अब ये मेरा जो है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, अभी जो मैं कर रहा हूँ वो ए है, ए पॉइंट। ठीक, और ये मेरा वाई एक्सिस है। अगर मेरी पुरानी वीडियोस आपने देखी होंगी तो मैंने हमेशा बताया कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ एप्पल्स 1, 2, 3, 4, 5, सबके बीच में 1, 1 का स्केल है, सबके बीच में 1, 1 का डिफरेंस है। तो हम 1 का स्केल लेकर चलते हैं। तो यहाँ मान लीजिए मैंने मार्क कर दिया 1, यहाँ मार्क कर दिया 2, यहाँ मार्क किया 3, यहाँ मार्क किया 4 और यहाँ मार्क किया 5, यहाँ मार्क कर दिया मैंने 6। ठीक है, ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है जो हमेशा 0 होता है। और अगर इसके कभी भी आपसे पॉइंट्स पूछे जाए तो 0,0 ही होते हैं। एक्स एक्सिस भी यहाँ पर 0 होता है, वाई एक्सिस भी यहाँ पर 0 होता है। अब वाई एक्सिस पर बना लेते हैं, यहाँ देखेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, इस तरीके से ये सारे के सारे जो है वो 5, 5 के स्केल में डिफरेंस है। तो चलिए हम इसको 5, 5 के स्केल में ही ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 मान लीजिए मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब मुझे जो पॉइंट है वो ड्रॉ करना है। तो नंबर ऑफ एप्पल्स 1, अब ये जो है नीचे की साइड यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स। यहां हम क्या डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ एप्पल्स, और यहां हम डिनोट कर रहे हैं कॉस्ट। ठीक है, इन रुपीज। अब 1 पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमें 5 मिलता है। तो ये हमारा एक पॉइंट है, 1 नीचे से और 5 वर्टिकली। तो मेरा जो ये पॉइंट है ये हो गया 1,5। इसी तरीके से 2 पर अगर मैं देखता हूँ तो 2 पर 10 लेके जाना है, तो 2 यहाँ पर और 10 यहाँ पर, तो मेरे को ये पॉइंट मिल गया 2,10। अब मैं थर्ड की बात करूँ 3 का, तो 3 पर मुझे क्या है, नंबर ऑफ एप्पल्स 3 और कॉस्ट उसकी हो गई 15। तो 15 यहाँ पर और 3 मेरा यहाँ पर लगभग। तो ये मेरा जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया मेरा 3,15। इसी तरीके से 4 पर 20 है, तो 4 एंड 20 मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, लगभग ये यहाँ पर होगा 4,20। 5,25, तो 5,25। अब इन सबको एक लाइन से हम जोड़ देते हैं, तो मैंने ये लाइन लिया और मैं इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ। अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो ये पॉइंट्स कुछ इस तरीके से, मतलब लगभग ये एक ही पॉइंट पर आएंगे, एक ही लाइन पर आएंगे। चूंकि हमारे पास परफेक्ट ग्राफ नहीं है अभी करेंटली, तो इस वजह से आपको ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा होगा। तो ये है तरीका जिससे आप एक ग्राफ को बनाते हैं। तो ये हमने पहले ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब मैं इसको कर लेता हूँ छोटा। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हम इसी पे बी भी बना सकें। तो ये जो है ये मैंने छोटा करके एक साइड कर दिया, ये हो गया ए। अब चलिए बी बनाते हैं। मैं इसमें इस बार ग्राफ का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ सो दैट इट बिकम्स कन्वीनियंट। अब मैं बी बनाता हूँ। ठीक है, बी के लिए मुझे क्या दिया गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, एक कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, टाइम इन आवर्स दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया गया है कि कितने किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपना फिर से एक ये लीजिए, ये मैंने अपना एक ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 AM है, देन 7 AM है, देन 8 AM है, देन 9 AM है, यानी सभी में एक एक का डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टली मैं ले लेता हूँ टाइम। तो ये मैंने ले लिया 6 AM, सॉरी
ये मेरा हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया मेरा 9, ठीक है, और ये 10 है मान लीजिए, और ये मेरा x एक्सिस है, और x एक्सिस पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, टाइम इन आवर्स, ये मैं दिखा रहा हूँ x एक्सिस पे। y एक्सिस पे मैं क्या दिखाने वाला हूँ, मैं दिखाने वाला हूँ डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। यहां मैं क्या ले लेता हूं, यहां मैं ले लेता हूं 40, 80, 120, 160 एंड 200, ये मेरा वाई एक्सेस हो गया, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सेस। अब मुझे जो ग्राफ है वो पहले ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया वैसे करेंगे, तो 6 एएम पर 40, तो ये मेरा पॉइंट जो है ये मुझे मिलेगा 6 एएम पर 40, तो 6,40 ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 80,7, 7,80, तो ये हो गया मेरा 7,80, 7,80। थर्ड पॉइंट है 8,120, 8,120, ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया, और फोर्थ पॉइंट है 9,160, तो ये मेरा 9,160 हो गया। अब ये कैसे निकलता है, अगर आप अभी मैंने पिछला वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें मैंने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों साइड लिया था, उसी तरीके से इसको मैंने निकाला। अब मैं इसको एक लाइन से जोड़ देता हूँ, लास्ट टाइम मैं लाइन सही से जोड़ नहीं पाया था, आई बिलीव कि इस बार बिल्कुल सही लाइन देखिए मैच हो गई ना, क्योंकि इस बार मेरे पास अच्छा ग्राफ वगैरह था, तो इस वजह से, ठीक है। अब मुझसे उसने कुछ सवाल पूछे हैं, हाउ मच डिफरेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग 7:30 to 8 AM, ठीक है। अब 7:30 क्या होगा, अगर इन दोनों के बीच में 6 एंड 7, अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो 6 एंड 7 के बीच में 1 आवर है ना, तो अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा तो 30 मिनट मिल जाएगा मुझे, करेक्ट ना। इसी तरीके से आप यहां पर स्केल को तोड़ लेंगे, तो मेरा जो है 7:30 मेरा ये यहां पर होएगा लगभग, ये पॉइंट है मेरा 7:30 का। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये क्या है 40, 80, 120, 160, 200, यानी इनके बीच में कितने का स्केल है, 40-40 का स्केल चल रहा है, 0+40, 40, 40+40, 80, 80+40, 120, 120+40, 160, 160+40, 200, यानी 40-40 का स्केल है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमने मार्क किया है वो 40 किलोमीटर है। अब मैं इसका अगर हाफ कर देता हूँ तो ये 20 किलोमीटर हो जाएगा और ये भी 20 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि हमारी जो गाड़ी है वो लगभग आधे घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका मतलब 80 अगर यहाँ है तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई मेरी 100, 80+20 और 100+20, 120 हो जाएगी, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है मेरा, ये मेरा पॉइंट है 7:30, मैं जरा मिटा के दोबारा लिख देता हूं, 7:30, 100, ये मेरा पॉइंट है। अब मुझे बताना है कि इस पॉइंट से, ये जो मैंने पॉइंट निकाला है इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस मैंने ट्रेवल की, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर है, यानी कि मैंने 7:30 से लेकर 8 o'clock के बीच में 20 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, ये बी का सॉल्व कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 7:30 and 8 AM इज 20 किलोमीटर, ठीक है। अब दूसरा करते हैं, हाउ वॉज द टाइम वेन कार हैड कवर्ड, वॉट वॉज द टाइम, सॉरी आई एम सो सॉरी, वॉट वॉज द टाइम वेन कार हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट, वो टाइम कौन सा था जब कार स्टार्ट हुई उससे लेकर के और 100 किलोमीटर चल गई थी। तो कार का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा हम जीरो से लेकर चलते हैं, तो ये हमारा जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये मेरा है स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट है ये और 100 किलोमीटर मेरा कहां पर आ जाएगा, ये देखिए 7:30 पे मेरा 100 किलोमीटर आ रहा है, क्योंकि अगर मैंने यहां पे जो मार्किंग की थी वो 7:30 पे 100 किलोमीटर आ रही थी, तो इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर होगा 7:30 AM वॉज द टाइम व्हेन कार कवर्ड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम इट्स स्टार्ट। इसके स्टार्टिंग से उसने 100 किलोमीटर 7:30 पर कवर कर लिए थे। तो ये हो गया हमारा बी पॉइंट। अब मैं इसको भी थोड़ा साइड कर देता हूं, एक मिनट चाहिए, इसको थोड़ा छोटा करके एंड देन लेट्स क्रिएट अ लेस। तो ये मेरा बी सॉल्व हो गया। अब मैं करता हूं सी को सॉल्व, ठीक है। अब जो सी है, सी में दिया गया है इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट फॉर अ ईयर। डिपॉजिट 1000 पे 80 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, 2000 पे 160, 3000 पे 240, 4000 पे 320 एंड 5000 पे 400, ठीक है। चलिए एक ग्राफ इसके लिए प्लॉट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना आ गया ना, तो समझ लीजिए कि आपको सारा का सारा सॉल्यूशन आ गया। मेन खेल है पूरा का पूरा ग्राफ प्लॉट करना, क्योंकि ग्राफ अगर आपके पास है तो आप उसमें से पॉइंट्स और वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो पॉइंट्स और वैल्यूज निकालने से पहले आपको ग्राफ को प्लॉट करना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पर भी हम एक साइड अपना इंटरेस्ट दिखा देते हैं और एक साइड हम अपना डिपॉजिट दिखा देते हैं। तो चलिए डिपॉजिट हम दिखाएंगे ऊपर, मान लीजिए यहाँ मैं दिखाऊंगा डिपॉजिट इन रुपीस इधर की साइड, और इधर की साइड में दिखाऊंगा अपना सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीस। ये मेरा हो गया, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, एक स्केल ले लेता हूं 80-80 का। ये मेरा 80 हो गया, ये 160 हो गया, ये 240 हो गया, ये मेरा हो गया 320, ये हो गया मेरा 400 और ये हो गया मेरा 480, ठीक है। अब इधर की साइड में क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 1000-1000 का ले लेता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1000 का ही डिफरेंस है सभी में। 2000, 3000, 4000, 5000 एंड 6000, ठीक है। तो ये मैंने अपना ग्राफ का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। 80 पर मेरा 1000 है, ये मेरा आ गया 80, 1000। 160 पे मेरा 2000 है, तो ये हो गया मेरा 160, 2000। 240 पे मेरा 3000 है, तो 240, 3000। 320 पर मेरा 320, 4000 हो गया, और ये वाला जो है ये मेरा हो गया 400 पर 5000 पर 400 बेसिकली, अगर मैं इसको उल्टा सही तरीके से बोलूँगा तो। अब इसको मैं एक लाइन के थ्रू डिनोट कर लेता हूँ, तो ये मेरी लाइन बन गई, ठीक है, सारे पॉइंट्स को मैच कर रही है। अब इन्होंने यहाँ पर सवाल पूछे हैं, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। जो ग्राफ हमने बनाया वो ओरिजिन से क्रॉस करता हुआ जाता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो ग्राफ की लाइन है, ये लाइन मेरी ओरिजिन से टच करती हुई जा रही है, मतलब क्रॉस करती हुई जा रही है। तो यस, पहले का आंसर है यस, ग्राफ पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब दूसरा का करते हैं, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर अ ईयर। अब 2500 पे क्या था, अब ये बताओ। देखिए यहां पर वही है, 1000-1000 का डिफरेंस है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो मेरी 2500 है ना। तो 2500 के लिए अगर मैं ये यहाँ पर मैच करता हूँ तो ये मेरा पॉइंट निकलता है, और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पर मैच करता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था, 80, यानी 160 + 40, 200 है ना, यही आएगा ना। तो अब ये हो गया मेरा सेकेंड का आंसर फॉर
डिपॉजिट ऑफ 2500 सिंपल इंटरेस्ट इज 200, सॉरी 2000 हो गया गलती से, इसको 200 कर देता हूँ, 200 रुपीज, ये हो गया। अब थर्ड, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर हाउ मच मनी डू आई नीड टू डिपॉजिट। अब 240 प्लस 40 ये मेरा हो गया 280 वाला पॉइंट। अब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ये मेरा यहाँ पर मैच करेगा और यहाँ पर ये वाला यहाँ मैच करेगा। तो 280 पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीड टू डिपॉजिट 3500 रुपीज टू गेट इंटरेस्ट ऑफ 280 रुपीज। आई होप कि आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज भी मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।